इधर सिराली हरदा मुख्य मार्ग पर करनी सेना और ग्रामीणों ने गायों को रोककर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। करनी सेना की मांग है कि गौशालाओं में गायों के खाने की व्यवस्था की जाए, इसके साथ ही गायों के चराने वाली जगह से कब्जा हटाया जाए। गोमाता के लिए रखा गया है, गोमाता ने खुद आज चक्का जाम किया है। विगत एक साल से गोमाता के साथ जो अत्याचार और शोषण हो रहा है, जिसके कारण गोमाता कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं वो किसान के यहाँ पे अनाज खा के मर रही है, कोई उसकी देखरेख करने वाला नहीं है, कोई जांच पूछ परख करने वाला नहीं है। जो सिराली की गौशाला है वो भी स्वतः संचालित नहीं होने के कारण, ऑटोमेटिक नहीं चलने के कारण उसमें इतनी दिक्कत आ रही है कि सिराली की गौशाला में भी रोज़ एक से दो या दो से तीन गाय रोज़ मर रही है। तो गौशाला में जो अत्याचार हो रहा है और गाय के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेके आज गोमाता को, गोवंश को लेके हम लोगों ने आज करनी सेना परिवार, विश्व हिंदू परिषद, व्यापारी संघ, सारे सर्व सनातन समाज के साथ आज हम लोग यहाँ पे धरने पे चक्का जाम पे बैठे हैं। ऐसी कोई हमको जानकारी नहीं मिली है, ये बस सिर्फ फ़ोन आया था और हमने दूसरों के फ़ोनों में स्टोरी देखी है कि करनी सेना वालों ने धरना प्रदर्शन करके सिराली बंद करा है, और विश्व हिंदू परिषद का इसमें ना कोई फ़ोन आया है, ना उन्होंने कुछ दायित्ववान जो कार्यकर्ता है सिराली में, संयोजक मंत्री और जो भी है पदाधिकारी, उनको कोई फ़ोन ना मैसेज किया है। और विश्व हिंदू परिषद का इनने करनी सेना के नीचे नाम लिखा है। विश्व हिंदू परिषद का दायित्व ये है कि वो गौ रक्षक है, सभी काम वो करवाते हैं, बाकी उनको ऐसी कोई खबर भी नहीं मिली ना सूचना मिली जिससे वो वहाँ जाके कार्य देखें।